हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। सिर्फ दो लाइनों का डिज़ाइन है, बनके बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 × 3 करके फंदे लेने होंगे। यहाँ पर मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे हमने एक बेसिक रो बनानी है, सिर्फ एक बार बनानी है जब हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं होगी। एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ से 4 फंदों में हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। ये हमारी बेसिक रो है, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 3। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेसिक रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सिर्फ हमने एक बार बनानी है जब हमने डिजाइन को स्टार्ट करना है, कि फर्स्ट रो हमारी यहाँ से शुरू होगी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड, पहले एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से 4 फंदों में हमारा डिजाइन शुरू हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही 4 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 3 फंदों को ध्यान से देखिएगा, जिनमें 3 में से एक फंदा हम पहले सीधा बुनेंगे। ये 2 फंदे हमारे बचे हुए हैं, इस फंदे को हम पहले बुनेंगे और इस वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। दूसरे वाले फंदे में हम सिलाई डालेंगे सीधे फंदे की तरह और इसको हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदों में से पहले वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। अब ये 2 फंदे बचे हैं, दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। दूसरे वाले फंदे में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब डिजाइन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 फंदों का डिजाइन है। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 3 में से पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदे बचे हैं, दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे करना है, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 3 में से पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये 1 और 2, दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 4 फंदों को ध्यान से देखिएगा, यही 4 फंदे हमने सेकंड रो में दोहराने हैं। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे जो इधर हमने उल्टा बुना था, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदे हैं, 3 में से पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे बचे हैं, जो बाद में फंदा है इसको हम पहले बुनेंगे और जो पहले फंदा है इसको हम बाद में बुनेंगे। अब कैसे बुनना है ध्यान से देखिएगा, सिलाई को इधर लाएंगे और दूसरे फंदे में हम सिलाई को डालेंगे और इसको हम उल्टा बुनते हुए आगे ले आएंगे। उसके बाद जो ये पहला फंदा है इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को, धागे को पीछे करेंगे। अब 4 फंदों में हम डिजाइन बना रहे हैं, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे,
धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये तीन फंदे हैं, तीन में से पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये दो फंदे बचे, एक और दो, दूसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। तो हमने सिलाई को आगे की तरफ से इधर को लाना है दूसरे फंदे में, और इसको उल्टा बुनते हुए हम आगे को ले आएंगे। उसके बाद जो पहला फंदा है इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, फिर से रिपीट करें डिजाइन को, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीन में से जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब ये दूसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। सिलाई को पीछे ले जाएंगे और दूसरे फंदे में हम सिलाई को डालेंगे ऐसे, और इसको अब उल्टा बुनते हुए आगे ले आएंगे। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, तीन में से पहले वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब दूसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे और पहले वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। सिलाई को पीछे की तरफ से दूसरे फंदे में हम सिलाई को डालेंगे ऐसे, और इसको उल्टा बुनते हुए आगे ले आएंगे। उसके बाद पहले वाले फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं दो लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। फ्रेंड्स, जब आप इन दो लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान डिजाइन है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारा डिजाइन कैसे बना है। 3+1, 3+1, ये बीच में एक फंदा जो उल्टा बुना है ये हमने गैप देने के लिए बनाया हुआ है, और तीन फंदों में बेसिकली हमारा डिजाइन बना हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।